एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सर आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 सरकार बनाएंगे, सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी जितनी भी होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिलकर के सरकार बनाएंगे लगातार। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के साथ ही देश की 543 सीटों पर मतदान प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। शनिवार शाम को मतदान खत्म होते ही तमाम इंटरनेट मीडिया और टीवी पर चुनाव के भावी परिणामों को लेकर आंकलन आने शुरू हो गए। सभी के अनुमानित सीटों के हिसाब से एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं और देश में एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है। उधर विपक्ष इन आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। उनके निशाने पर अब डीएम आ गए हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधते दिख रहे हैं। दरअसल एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। आपको बता दें कि एग्जिट पोल देखने के बाद सभी विपक्षी दल अब 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार एनडीए हार रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मतदान होने के बाद राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल को झूठा बताया है। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। राहुल गांधी भी मीडिया कर्मियों से कहते हुए नजर आ रही हैं कि ये जो एग्जिट पोल सामने आ रही हैं, ये मोदी मीडिया एग्जिट पोल है। कि सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295, उतनी सीटें गठबंधन की भी आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी एग्जिट पोल के आंकड़े को झुठलाते हुए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कहा है। क्या लगता है कि कितनी सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा? ये मनोवैज्ञानिक प्रेस बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। और एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? सरकार बनाएंगे, अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी जितनी भी होंगी, लेकिन एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिलकर के सरकार बनाएंगे लगातार। एग्जिट पोल की जो नतीजे आ रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं तो ये थोड़े चल पाएगा, वो तो गिनती होगी। गिनती में हमारा जो भी कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए वहां पर रहेगा और बेईमानी नहीं होने देगी जाएगी। प्रशासन को लेकर कोई सवाल नहीं? अब प्रशासनिक भी काम ठीक से करेगा, प्रेशर में किसी को भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फेयर चुनाव। सर्वे कंपनियों के आंकड़ों पर शिवपाल यादव का भी भरोसा नहीं है। उन्होंने भी कहा कि 4 जून के बाद से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेंगे और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। बता दें कि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार देश में एनडीए गठबंधन को 361 से 401 के बीच सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 131 से 166 के बीच सीटें और अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 353 से 383 के बीच सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडी गठबंधन को 152 से 182 के बीच सीटें मिलती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को जबरदस्त सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 62 से 68 सीटें, अपना दल को 2 सीटें और आरएलडी को 2 सीट मिल रही हैं। जबकि सुभाषपा का खाता भी नहीं खुल रहा, सपा को उत्तर प्रदेश में 10 से 16 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। मायावती की अगुवाई में इस चुनाव में मैदान में अकेले उतरी बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। फिलहाल इस खुशी और गम के माहौल के बीच सभी को इंतजार है तो 4 जून का, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून की शाम तक सबके सामने आ जाएगा। फिर साफ हो जाएगा कि देश में फिर से एक बार मोदी सरकार आएगी या गठबंधन सत्ता बदलने में कामयाब हो पाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।